किसी ने कहा गंगा नहाने की उम्र क्या होना चाहिए? गंगा स्नान के लिए उम्र देखी जाए कि उम्र कौन सी ली जाए? बचपन में गंगा नहाना चाहिए कि जवानी में नहाना चाहिए कि अधेड़ी में नहाना चाहिए कि बुढ़ापे में नहाना चाहिए? गंगा नहाने की उम्र क्या हो? शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की भक्ति में डूबने की कोई उम्र नहीं होती। पानी में डूबने वाला मर जाता है और शिव महापुराण में डूबने वाला तर जाता है। भगवान की भक्ति में डूबने की कोई उम्र नहीं है। आप जिस उम्र में भगवान का भजन करोगे, आप जिस उम्र में के भगवान की भक्ति करोगे, भगवान आपको उसमें समाहित करता चले जाएगा। कोई अलग से हमें उम्र नहीं ढूंढना है कि हम इस उम्र में पहुंचेंगे तो हम भगवान का भजन करेंगे। जितने आस्था पर सुन रहे हो बड़े ध्यान से सुन लेना हमारा, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, अविरल भक्ति, और केवल अविरल भक्ति का भाव यही होना चाहिए कि हम परमात्मा से, हमें कुछ मांगे ना मांगे पर हम भगवान की भक्ति में डूबे रहे। कई कई दुनिया के लोगों की ऐसी स्थिति रहती है, अगर एक बार उन्होंने सोमवार का व्रत करा, एक बार मंगलवार का व्रत करा, एक बार शनिवार का व्रत करा, एक बार बुधवार का व्रत करा, गुरुवार का व्रत करा, या कोई पूजन पाठ करा या कोई अनुष्ठान करा और भगवान ने उसकी नींद सुनी, तो अगली बार से वो पूजन करना ही बंद कर देगा। फिर वो भगवान के मंदिर जाना ही बंद कर देता है। जैसे कल एक पत्र था ना कि मैं भगवान के मंदिर जाना ही बंद कर दी थी। फिर शिव महापुराण की कथा में आज सुना कि भगवान का दरबार मत छोड़ो, भगवान का द्वार मत छोड़ो। कितनी भी विषम परिस्थिति आए, कितना भी दुख जीवन में आए, कितना भी कष्ट आए, कि संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो सांवरिया जी हमारा रे। महाराज, संसार के सारे साधन छूट जावें, सारे परिवार वाले, कुटुंब वाले, कबीले वाले, हमारे अपने सब छूट जावें, पर भगवान से ये प्रार्थना करना कि तेरा द्वार, तेरा चौखट, तेरा दरबार हमसे ना छूटे, ऐसी कृपा करना। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुन कर आ जाना। अच्छे एक विचार करना बहुत अच्छे से, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, बड़े आनंद में विचार करिएगा। जब परिवार वाले तो केवल तुम्हारे घर तक है महाराज, रिश्तेदार तुम्हारे रोड तक हैं, चौराहे तक हैं, और अंत में शमशान तक भी मोहल्ले के लोग साथ दे जाएंगे। पर जब खोपड़िया फोड़ दी जाएगी एक बांस में लोटे को बांधकर घी भरकर, उसके बाद में जब छोड़ कर आ जाएंगे, फिर तुम्हारे साथ कौन हो? फिर कौन हो सकता है? महाराज, फिर संत कौन है? कहे ना, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा अरे मन।